नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फुटपाथ सड़कों पर मलबे के ढेर, परीक्षा व विलंब शुल्क माफ करे विश्वविद्यालय, हाथ लगा नाबालिग वाहन चोर। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। फुटपाथ सड़कों पर मलबे के ढेर, ठेकेदार की चल रही है मनमानी। लॉकडाउन के चलते बाजार बंद है। सब्जी व फल विक्रेता हॉकरों को छोड़कर सभी को भी ठेला व गुमटी लगाने की अनुमति नहीं है। सुबह 11 बजे तक आवश्यक सेवा में आने वाले सब्जी विक्रेता ही फुटपाथ पर नजर आते हैं। इसके बाद पूरी सिटी सुनसान हो जाती है। अब फुटपाथ पर अतिक्रमणकारी तो नजर नहीं आते, लेकिन कई इलाकों में मलबे के ढेर जरूर लगे दिखाई देते हैं। सिटी के कई इलाकों में फुटपाथ पर और भीतरी चौड़ी गलियों में भी जगह जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा है। मनपा का संबंधित विभाग न ही इसकी सफाई कर रहा है और न ही इसके लिए जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई हो रही है। परिणाम यह हो रहा है कि सभी बेखौफ हो गए हैं और मनमानी कर रहे हैं। अनेक जगहों पर तो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहां निकलने वाले मलबे को फुटपाथ और सड़क के किनारे ही डाल दिया जा रहा है। तो वही दूसरे और परीक्षा व विलंब शुल्क माफ करे विश्वविद्यालय, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति को सौंपा ज्ञापन। कोरोना संक्रमण के भयावह प्रसार के चलते पूरे राज्य में ही लॉकडाउन जारी है। सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद करवा दिए हैं। वही लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति पस्त हो गई है। ऐसे में राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय प्रशासन को सभी विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क और फॉर्म आदि भरने की विलम्ब शुल्क माफ कर बड़ी राहत का काम करना चाहिए। इस विषय के साथ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति व विद्यार्थी तथा परिवहन शाखा द्वारा उपकुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। तो वही तीसरे और हाथ लगा नाबालिग वाहन चोर। यशोधरा नगर थाने से दोपहिया वाहन चोरी करने वाले नाबालिग को क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 ने पकड़ा। 9 मई की रात उसने वाहन चोरी किया था। बजाज नगर पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच भी जांच में जुटी थी। बुधवार को पुलिस दस्ते ने नाबालिग को चोरी की दोपहिया वाहन पर घूमते दबोच लिया। उसे गाड़ी सहित बजाज नगर पुलिस के हवाले किया गया। उसके खिलाफ और भी मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।